हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एजुकेशन। तो गाइस, इस वीडियो से हम जो है रिपोर्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो रिपोर्ट्स के ऊपर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने अपने आप को हाइड इस वजह से किया है ताकि मैं आपको रिपोर्ट स्नैपशॉट पूरी तरह से दिखा सकूँ। एक्चुअली जब जब मैं अपने आप को शो करता हूँ तो वो कुछ कुछ एरिया जो है हाइड हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अपने आप को हाइड करके रखा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी आप गूगल मर्चेंट स्टोर को जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो गूगल एंट्री को जब आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे पहले सेक्शन दिखेगा होम सेक्शन। होम सेक्शन के अंदर आपको एक टैब दिखेगा, यहाँ पे जो है आपको दिखेंगे कुछ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैट्रिसेस सेलेक्ट भी कर सकते हो, आपको जो जो मैट्रिसेस चाहिए। अब ये मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हो। जो जो कॉमन मैट्रिसेस होंगे वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। अगर इसके अलावा आपको तब भी मैट्रिस के बारे में और जानना है, और अगर आपको लगता है कि इसके बारे में बात नहीं करी, तो आपको जस्ट सिंपली मेरी वेबसाइट के ऊपर जाना है। एंड वेबसाइट के ऊपर आपको जो है डायमेंशन एंड मैट्रिसेस के बारे में आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर डायमेंशन और मैट्रिसेस का मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अपने मतलब वेबसाइट के अंदर दिखाया हुआ है, जो जो डायमेंशन है उनकी मतलब कैसे वो कैलकुलेट होती है और कैसे उसकी एक्चुअली उसका डेफिनेशन है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसको मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा जिसके अंदर ये डायमेंशन मैट्रिसेस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट का अपने हिसाब से मैनुअली कर सकते हैं। आप शादी का देखना चाहे, एडवर्टाइजिंग का देखना चाहे, यहाँ पे आपको देखिएगा यूजर लास्ट 30 मिनट्स के अंदर कैसे मतलब कहाँ कहाँ से आए हैं। अगर आपको रियल टाइम में जाना हो यहाँ पे जाकर रियल टाइम में जा सकते हैं। अगर आपको इस रिपोर्ट का स्नैपशॉट देखना हो यहाँ पे जाकर रिपोर्ट का स्नैपशॉट देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली एक्सेस, यहाँ पे रिपोर्ट स्नैपशॉट यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनसाइड का है, यहाँ पे सेगमेंट ओवरलैप एडमिन है, और आगे आपको और भी एडवर्टाइजमेंट स्नैपशॉट आपको देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। अब गाइस, यहाँ पे आपको कुछ आपको कार देखने को मिलेंगे होम सेक्शन में। यहाँ पे आपको सेशन एंगेज सेशन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आपको यहाँ पे कुछ चैनल ग्रुप, डिफॉल्ट चैनल ग्रुप या मीडियम कैंपेन सोर्सेज, आपको कुछ कार्ड देखने मिल जाएंगे। अब ये वही कार्ड होते हैं, गूगल ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वही कार्ड होते हैं जो कि आपको जो 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 आप रिपोर्ट रेगुलर देखते रहते हो, गूगल उसका कार्ड बना के आपको जो है होम सेक्शन के अंदर दिखा देता है। यहाँ पे अगर आप पेज टाइटल के हिसाब से देखना चाहते हो व्यूज, तो यहाँ पे आपको वो चीज देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आप यूजर बाय कंट्री आईडी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनसाइडर रिकमेंडेशन आती है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइडर रिकमेंडेशन मतलब अगर आप कोई चीज को रेगुलर सर्च कर रहे हो तो गूगल उसकी इनसाइट कार्ड यहाँ पे आपको बना के दे देगा, और अगर आप उसके अंदर और जानना चाहते हो यहाँ पे व्यू ऑल इनसाइट पे जाकर के यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है रिपोर्ट सेक्शन। तो रिपोर्ट सेक्शन के अंदर पहले आता है रिपोर्ट स्नैपशॉट। तो यहाँ पे रिपोर्ट स्नैपशॉट में मैंने पहले बताया यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिसेस देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे जो है वो मैट्रिसेस जो है आप चेंज नहीं कर सकते। इस जगह पे आप मैट्रिसेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो जो आपको मैट्रिसेस देखनी है यहाँ पे आप मैट्रिसेस को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको दिखाते हैं यूजर लास्ट 30 मिनट और रियल टाइम, जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको इनसाइट के बारे में दिखाते हैं, जो जो आप इनसाइट जो जो आप देखते हैं या जो जो आप क्वेश्चन राइज करते हैं, गूगल उसका इनसाइट बना के यहाँ पे रख देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से मतलब कौन कौन से मीडियम से, कौन कौन से सोर्स से आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, कौन से मीडियम के थ्रू जो है आपके पास आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको मतलब सेशन पर मीडियम बाय मीडियम आपको यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात करी है, अगर आपने नहीं जाके देखी आप वहाँ पे जाके देखिए, ज़्यादा टाइम की नहीं है। तो आप इजिली अगर उसको 1.2x या 1.5x के अंदर भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्पीड में आप निकाल जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है, बिना स्किप किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर बाय कंट्री आईडी आपको मिल जाता है। यहाँ पे यूजर एक्टिविटी ओवर द टाइम, तो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने तीन चीजों के बारे में बात की थी, डेली एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव यूजर, वीकली एक्टिव यूजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली है, ये वीकली है, ये मंथली है। तो यहाँ पे आपको हिसाब से यहाँ पे आपको यूजर एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक आपको मतलब चार्ट करके एक आपको चार्ट देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है गाइस, इसमें होता ये है, मान लीजिए कोई यूजर आया इस वाले वीक के अंदर, तो ये वीक 0 हुआ। अब वो इस वाले वीक के अंदर वो यूजर वीक 1 होता है इसका, तो वो कितना रुकता है, मतलब इतने लोग आए हैं 13,000 लोग आए हैं, उनमें से 698 लोग जो है 4% रिटेन हुए हैं वीक 2 तक। ऐसे करते करते वीक 5 तक 98 लोग ही रिटेन हुए हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे व्यूज बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लासेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके पेज के टाइटल के अकॉर्डिंग कितने कितने व्यूज है। यहाँ पे आप इवेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आप कन्वर्जन जो जिस इवेंट को आपने कन्वर्जन मार्क किया हुआ है वहाँ पे आपको कन्वर्जन के हिसाब से बता सकते हैं कि इस इवेंट के बाद इतने कन्वर्जन हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको आइटम परचेज, कौन कौन से आइटम परचेज हुई है और कितनी आइटम परचेज हुई है, कौन सी चीज की मतलब कौन से प्रोडक्ट के कितने आइटम परचेज हुए। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक स्कोर कार्ड आपको दिखाया जाता है, यहाँ पे आपको बाय प्लेटफॉर्म दिखाता है कि किस किस प्लेटफॉर्म से लोग आए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रियल टाइम रिपोर्ट की। तो रियल टाइम रिपोर्ट को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो व्यू रियल टाइम पे जाइए या रियल टाइम पे जाइए। दोनों जगह से जैसे आप आ जाएंगे रियल टाइम रिपोर्ट के ऊपर। अब जैसे रियल टाइम सॉरी यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्ट के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो मतलब मैट्रिसेस है या डायमेंशन है, अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया लग पा रहा आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको डायमेंशन एंड मैट्रिसेस टाइप GA4 एंड प्लस फेसबुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप जाके इनमें जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको एक्सेस करना हो तो आप इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाना है। एंड यहाँ पे जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स का एक आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा। गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे, आपको
यहाँ पे जो है डायमेंशन एंड मैट्रिसेस ऑफ गूगल एनालिटिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके मतलब आपको यही रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको ओपन करके दिख जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ रियल टाइम रिपोर्ट के ऊपर। तो गाइस रियल टाइम रिपोर्ट ना सबसे अमेजिंग रिपोर्ट है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, क्योंकि गूगल जो है आपको हर तरह की रिपोर्ट जो है रियल टाइम में नहीं देता, पर गूगल आपको कुछ ऐसा आइडिया देता है रियल टाइम में जिससे आप थोड़ा सा ना उसको थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मतलब मिनट वाइज लास्ट 30 मिनट्स के अंदर, मतलब अभी जो भी टाइम हो रहा है उसके लास्ट 30 मिनट से पहले से लेकर के एक एक मिनट का यहाँ पे ब्रेकडाउन बता रहे कि किस किस मिनट कितने कितने यूजर जो है मतलब रियल टाइम एक्टिव थे। फिर उसी चीज को जो है गूगल बता रहा है कि भाई जो यूजर आए हैं वो कौन कौन से डिवाइस से आए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो यूजर आए हैं उनका सोर्स क्या क्या है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो मीडियम में भी चेंज कर सकते हो, या सोर्स एंड मीडियम दोनों एक साथ देखना चाहता हो उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे यूजर ऑडियंस बता रहे हैं कि कितनी ऑडियंस थी, कितने नॉन परचेजर है, कितने एक्टिव यूजर थे, कितने एंगेज यूजर थे, इनके बारे में ऑलरेडी बात बता चुका हूँ मैं, ठीक है। एंगेज यूजर मतलब कितने लोग जो है एंगेज रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज बाय पेज टाइटल, पेज टाइटल के हिसाब से कितने कितने व्यूज है कौन कौन से पेज टाइटल के ऊपर, ठीक है। ये मैंने पेज व्यू के अंदर ये ऑलरेडी आपको बात बता दी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्रमोशन देख सकते हैं कौन कौन से मतलब इवेंट के अकॉर्डिंग जो है इवेंट काउंट आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर कितने इवेंट काउंट हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा इवेंट काउंट हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा व्यू प्रमोशन हुए। यहाँ पे आपको कन्वर्जन बाय इवेंट नेम दिखाई देगा कि इस इवेंट के ऊपर कितने कितने कन्वर्जन हुए, मतलब अगर मैंने उसको कन्वर्जन मार्क किया तो कितने कितने कन्वर्जन हुए, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर बाय यूजर प्रॉपर्टी जिसका भी डाटा इसके अंदर आया नहीं है। अब मुझे इसके अंदर अगर कंपेरिजन करना है तो मेरे को जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि मेरे को देखना है कि भाई बेंगलुरु से जो है कितने यूजर आए हैं लास्ट 30 मिनट के अंदर, मेरे को जस्ट इसके पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपको जो है थोड़ा सा इस हिसाब से जो है स्नैपशॉट बना के दे देगा कि लास्ट 30 मिनट के अंदर कितने यूजर एक्टिव थे, और लास्ट 30 मिनट के अंदर ही बेंगलुरु में कितने कितने यूजर एक्टिव थे, और उनका जो अकॉर्डिंग टू सोर्स मीडियम ऑडियंस के अकॉर्डिंग पेज टाइटल के अकॉर्डिंग जो है इवेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्जन बाय इवेंट के अकॉर्डिंग जो है ये अपने मतलब इनका कंपेरिजन आपको बता देंगे। और सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे जब आप आल यूजर को कनेक्ट करते हो फिर आप यहाँ पे एड कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको एड कंपेरिजन के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ भाई जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन को इंक्लूड करना है इसके अंदर तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करना है तो मैं प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर के मैंने जैसे वेब सेलेक्ट कर लिया और एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं इन दोनों को देखना चाहता हूँ तो और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये सीधा सीधा जो है मतलब कंपेरिजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये रिपोर्ट स्नैपशॉट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और वही चीज आपको जो है रियल टाइम में भी देखने को मिल जाएगी, पर रियल टाइम में हर तरह की रिपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलती, इसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रहा है अभी। अब इसके बाद आता है व्यू यूजर स्नैपशॉट। तो व्यू यूजर स्नैपशॉट के अंदर होता क्या है कि गूगल क्या करते हैं ना पर्टिकुलर कुछ रैंडम यूजर्स का डाटा लेता है और उसके अंदर दिखाता है भाई ये रैंडम यूजर जो है क्या क्या एक्टिविटी की है इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये यूजर जो है यहाँ पे व्यू यूजर स्नैपशॉट के अंदर आपको दिखाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कंपेरिजन बनाया है रिसेंटली एक्टिव यूजर और जो वेब जो मेरे वेब और एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म से यूजर हैं उनके बेस के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यूजर के बेस पे देखा जाए तो इतने ऐसे ऐसे मतलब मेरे यूजर जो है एक्टिव रहे थे। अगर न्यू यूजर को कंपेयर करना है मैं न्यू यूजर को कंपेयर कर सकता हूँ, एंगेजमेंट टाइम को कंपेरिजन करना है उसको कंपेरिजन कर सकता हूँ, और सेम इसी बेस में जो है मतलब ये रियल टाइम में भी आपको यहाँ पे दिखाया था कि रियल टाइम में भी इन दोनों के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो मतलब आपको इस हिसाब से जो है मतलब ये जो है कंपेरिजन बनाकर दिखा देता है, ठीक है। अब यही चीज अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया स्नैपशॉट के बारे में, तो स्नैपशॉट के बारे में जैसे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो यूजर है ये इस वाली लोकेशन से आया, इस वाले डिवाइस से आया, ये थी इसकी लोकेशन, ठीक है, और इसने लास्ट जो लास्ट मतलब लास्ट 30 मिनट के अंदर इसने ये जो है इवेंट करे हैं, और ये मतलब जितना आगे जाता जा रहा है वो उसके उसको काउंट कर रहा है। अब जैसे कि इन्होंने दो कन्वर्जन इवेंट करे हैं, एक जनरल इवेंट किया है और कोई इवेंट एरर इसमें नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कोई और लेता हूँ किसी और यूजर का तो मेरे को जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये यूके का आ गया, तो यूके के इस पर्टिकुलर यूजर ने जो है एक व्यू आइटम लिस्ट करा है और कोई इवेंट नहीं किया। अगर मुझे कोई और अगर देखना है तो ये यहाँ पे बांग्लादेश का बताया था कि बांग्लादेश के एक पर्सन आते हैं यूजर आते हैं उन्होंने पेज व्यू किया था। अगर मुझे किसी और का करना है, ठीक है, मेक्सिको के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जो है पहले पेज व्यू किया, फिर फर्स्ट विजिट हुआ, फिर सेशन स्टार्ट हुआ उनका, फिर उन्होंने कोई आइटम को व्यू किया, फिर उन्होंने स्टोर किया, तो इस तरह से ये जो है इन्होंने इवेंट करेंगे। और अगर आपको इससे बाहर निकलना, आपको एग्जिट स्नैपशॉट करना है तो आप इससे बाहर इजिली निकल जाएंगे। सो गाइस मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो मतलब मैट्रिसेस होते हैं या डायमेंशन होते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट में इसको इजिली आपको बताया हुआ है बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में। तो आप वहाँ पे जाकर के उस पर्टिकुलर जो भी डायमेंशन है उसके बारे में मतलब गूगल एनालिटिक्स के जो है मतलब मैंने इसके अंदर बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाकर डेफिनेशन इसकी पढ़ सकते हैं।
सो गाइस उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी होम सेक्शन इस रिपोर्ट स्नैपशॉट इस रियल टाइम रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको इसके रहें कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी टूल का एक्सेस चाहिए मेरी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं kishankumar.co.in/resources। आप चाहे तो कोई रिसोर्सेज दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मतलब अपनी तरह से जो है मेरी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी टूल का एक्सेस चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इजीली उसका टूल का एक्सेस आपको मिल जाएगा, देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।